दोस्तों, कैसे हो सब? मैं शुभम चौधरी सीकरी कैनल से, और वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। आज पप्पी अपने 28 डेज के हो गए थे। डिवॉर्मिंग का वीडियो आप सभी ने देख ही लिया होगा, और आज हम करेंगे इनकी वैक्सीन। बच्चे 5 के 5 देख सकते हो आप, बिल्कुल क्लियरली। हमने डिवॉर्मिंग भी की थी, सबका बॉडी वेट सेम था। अभी आज इनका सभी टेडी बियर है। मजल टॉप देख सकते हो आप, टेल क्वालिटी देख सकते हो। और पांचवा पांडू कहाँ गया? ओह, ये सो रहा है आके। इनको फर्श पे मजा आ रहा है, ठंडे फर्श पे। रिंकल भी बनाने हैं क्या लोगों की तरह? रिंकल भाई अपने डॉग के नहीं बनते अभी, रिंकल अपने के तो 45 दिन पे ही बनेंगे। जो है सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। अब करेंगे वैक्सीन, वैक्सीन करेंगे हम, वैक्सीन पप्पी डीपी, ठीक है। और ये 28 डेज पे करते हैं हम। उसके बाद उससे 14 डेज के बाद, जब 42 डेज का पप्पी हो जाता है, तब लगाते 9 in 1 लगाते हैं तब वैक्सीन। अब इसमें निकाल ले आते हैं। चलो भाई, अब करते हैं स्टार्ट सिंगल सिंगल पप्पी का वैक्सीन। सबसे पहले आपको मैंने बताया भी है, सिंगल सिंगल नीडल यूज़ करनी है सिंगल पप्पी के लिए। वैक्सीन हमारी पप्पी डीपी है, ये 28 डेज पे जो हम करते हैं। इसको हमने कर लिया मिक्स। सबसे पहले तो इस शरारती को ही लगाएंगे। ये देख, पहले जाके बैठ गया अपनी जगह पे। आपकी जो भी वाइल होती है, आपकी जो वाइल होती है, इसको यहाँ से नहीं पकड़ना, आपको यहाँ से पकड़ के इसको हिलाना होता है। बाकी ये ज्ञान होते हैं, जितना दे रहा हूँ ले लिया करो। होता कुछ नहीं है, जो होना होता है। कहीं की तो वैक्सीन की हो, मैं भी फिर पारो आ जाती है, जिसके भाई किस्मत खराब चल रही हो। जा बेटा मुर्शद, तेरे को ही सबसे पहले, तू आया था ना माँ के पेट से, तो इंजेक्शन भी तेरे को सबसे पहले तेरे को ही लगेगा। हैं, आराम से, आवाज़ नहीं करनी है, ठीक है। किसी को पता लग गया तो सभी मेरे को मारेंगे कि मुर्शद को दर्द कर दिया मैंने। ओए बदतमीज, बस बेटा, बस 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 बेटा, नो 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 बेटा, नो नो ननू। लो जी, हमारे मुर्शद की हो गई है फर्स्ट वैक्सीन कंप्लीट। अभी और तो सभी शरीफ हैं, ये ही ज़्यादा एक्टिव है, ये घूमता रहता है। इसको साइड में कर देते हैं, तू उसके साथ खेल ले बेटा, खेलता रहा तू। वैक्सीन का वीडियो बनाने का हमारा एक ही मोटिव होता है, ठीक है, कि ताकि हमारे कस्टमर को पता लगे। प्रूफ, एज अ प्रूफ होता है ये कि हमारे पप्पी का फर्स्ट वैक्सीन हो गया है। सिंगल सिंगल वीडियो में हम वीडियो कॉल करके भी दिखाते हैं कई बार, तो वीडियो कॉल में दिखाते तो वीडियो नहीं बन पाती, इसलिए हम वीडियो ही बना रहे हैं सीधा डायरेक्ट। सबको लिंक शेयर कर देंगे, वो देख लेना। और ये थर्ड पप्पी का भी वैक्सीन हो गया, आपने देख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे फोर्थ पप्पी का। ये दो पप्पी रह गए हैं हमारे, आज पांचों पप्पी का वैक्सीन डन हो जाएगा। उसके 2 दिन के बाद जिस जो भी कस्टमर ने बुक कर रखे हैं, आप पप्पी लेके जा सकते हो 2 दिन के बाद, इसलिए कि ताकि कोई फीवर वगैरह, बच्चा वैक्सीन के बाद स्ट्रेस में ना आए, माँ के पास रहे, ठीक है। परसों के बाद जिसको भी पप्पी चाहिए आप लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। पर वैक्सीन से पहले हम पप्पी नहीं देते। ये हो गया हमारी फोर्थ वैक्सीन, ये फोर्थ पप्पी को वैक्सीन लग रही है। बस बेटा बस,
नींद खराब होगी। हाँ जी, लास्ट पप्पी की वैक्सीन करने जा रहे हैं, इसके बाद हम आपको शो करेंगे पप्पी की क्वालिटी, सभी बच्चों को एक साथ दिखाएंगे। कहीं कस्टमर के मन में वहम रहता है कि हमको हैवी पप्पी दे दिया, हमको हल्का बच्चा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी एक ही माँ के बच्चे होते हैं, एक ही सब में एक ही ब्लड है, एक ही बाप है, एक ही माँ है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि गबरू मेरा लीटर का सबसे हल्का बच्चा था और वो आज आप सभी के सामने है। ठीक है ना, वो आपकी डाइट और केयर में डिपेंड करती है कि सबसे हल्का बच्चा भी सबसे अच्छा कैसे बनता है। और ये हमारी आज वैक्सीन कंप्लीट हो जाएगी, ये फाइनल पप्पी। इसको भी वैक्सीन हो गई है। सिंगल पप्पी उठा के दिखा देता हूँ पहले, देखो फर्स्ट पप्पी, सेकंड पप्पी, किसी में भी कोई भी बिल्कुल भी आपको फर्क नहीं नजर आएगा। थर्ड पप्पी, बॉडी वेट भी बिल्कुल सेम है, 1-2 ग्राम का फर्क नहीं है किसी भी बच्चे में। फोर्थ पप्पी एंड फिफ्थ पप्पी, ये सभी आपके सामने हैं। लो जी, फाइनली पप्पी आप सभी ने देख लिए हैं, 5 के 5 पप्पी, वैक्सीनेशन इनका डन हो गया है। ठीक है, किसी के भी मन में कोई मुटाव कि ये बच्चा हैवी है, ये बच्चा हैवी है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चे बिल्कुल सेम है। डिवोर्विंग में आपको वेट दिखा दिया था, आज इनका क्लियर सिंगल सिंगल का वीडियो दिखा दिया मैंने। मेरे को 5 हाथ होते तो मैं 5 के 5 को इकट्ठे उठा के भी दिखा देता। और अभी करते हैं इस वीडियो का एंड, जिसको भी सिंगल सिंगल वीडियो चाहिए मैं सिंगल सिंगल वीडियो लगा दूंगा। और इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड, बच्चों के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू।